डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कोडोमिनेंस आज स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टडी कर चुके हैं, जो डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म के जो है अंतर्गत आता है। उसमें आपने देखा कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसको जो है एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं कर रहे हैं फ्लावर्स, तो उसको जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस क्या है कि इसमें जो है दोनों जो एलील्स हैं, बोथ ऑफ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इन द ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑफस्प्रिंग में जो क्या कहते हैं एलील्स है, मतलब दोनों एलील्स है, वो एक साथ जो है एक्सप्रेस होते हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी एक एलील जो है डोमिनेंट हो जाता है, दूसरा डोमिनेंट नहीं रहता, लेकिन दोनों ही एलील जो है आप स्प्रिंग में आ जाते हैं। तो ऐसी फेनोमेना को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ये भी जो है मेंडेलियन डेविएशन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भी जो है मतलब एग्जैक्टली जो है मेंडल के इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन द फेनोमेना इन विच टू एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो आप स्प्रिंग्स है वो दोनों ही पेरेंट्स से, मतलब फादर से भी और मदर से भी अपनी रिजेंबलेंस शो करते हैं। दे शो रिजेंबलेंस टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, इसमें होता है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन। देखो ह्यूमन के अंदर, मतलब ह्यूमन रेस में फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। एक्चुअली बेटा ये समझने की कोशिश करो कि बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब कि 18th सेंचुरी तक ये होता था कि जैसे किसी को डीप इंजरी हो, सम पीपल हैव गॉन थ्रू ए डीप इंजरी, या उनको लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई डिजीज हो गई, या मान लीजिए कि ऐसी कोई बर्न केस हो गया, मतलब जिसमें वो काफी बुरी तरह जल गए, झुलस गए, तो उसमें क्या हो जाता था कि बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती थी। तो ऐसे जो है पर्सन को ब्लड का, ब्लड की जरूरत पड़ती थी। तो उस समय क्या होता था कि लोग एक हेल्दी पीपल थे, मतलब मान लो एक पेशेंट है एंड इट हैज गिवन ब्लड टू, इट हैज बीन डोनेटेड ब्लड फ्रॉम हेल्दी पीपल, तो हेल्दी पर्सन से या हेल्दी पीपल से ब्लड लेकर के उन पेशेंट्स को दे दिया जाता था जिनमें ब्लड की कमी हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि कुछ पेशेंट्स तो ठीक हो जाते थे और कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि सबका ब्लड उनको सूट नहीं करता था। तो फिर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ कि इन 1900 एक साइंटिस्ट मतलब आए, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में यह डिस्कवर किया कि जितने भी पर्संस हैं दुनिया में, ऑल द पर्संस इन द वर्ल्ड हैव नॉट अ सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड। मतलब इन्होंने क्या मतलब डिस्कवर किया कि मेन है आर यू कैन से मैन डू नॉट है सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड। और इनको जो है 1930 में नोबल प्राइज भी जो है मिला, ही गॉट नोबल प्राइज इन 1930 इनको, कार्ल लैंड स्टीनर को, ये जो है डिस्कवर करने के लिए कि जितने भी लोग होते हैं सब में एक जैसा ब्लड, हालांकि देखने में ब्लड एक जैसा ही लगता है लेकिन ये एक जैसा नहीं होता है। जैसे अभी हमने बताया कि एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने जो है ये डिस्कवर किया कि जितने भी लोग हैं सबका ब्लड एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबका ब्लड सबको डोनेट नहीं किया जा सकता। और इस प्रोसेस को जिसमें रिसीवर से ब्लड लेकर के मतलब रिसीवर को ब्लड डोनर से दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग ब्लड फ्रॉम ए डोनर टू द पर्सन हु इज इन द नीड ऑफ दैट ब्लड एंड ही इज नोन एज रिसीवर। ठीक है, रिसीवर वो है जिसको ब्लड चाहिए, डोनर वो है जो ब्लड डोनेट करता है मतलब ब्लड देता है। और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा ये किया जाता है दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसा मतलब कि 18वीं सेंचुरी के आसपास ये होता था कि हम लोगों को पता नहीं होता था कि ब्लड में ब्लड के अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं और सबका ब्लड सबको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें कभी कभी बाई चांस कुछ लोग ठीक हो जाते थे और कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड उनको नहीं मिल पाता था। ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। एक जीन होता है जिसको हम आई कहते हैं और इसका जो है फुल फॉर्म होता है आइसो हीमा ग्लूटेनिन। जो क्या कहते हैं इस ब्लड ग्रुप को मतलब कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप को जो है कंट्रोल करता है ये जीन होता है। और इसके जो है कुल 3 एलील्स होते हैं। एक एलील है आई ए, दूसरा एलील है आई बी और तीसरा एलील है स्मॉल आई आर यू टेन से आई जीरो। तो दी जा रहा एलील्स। ठीक है, तो ये जो जीन आई है ये क्या कहते हैं इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। और ये जो जीन है इसके जो है 3 टाइप्स के एलील्स हैं, इन्हीं के जो है बेस पर ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, और ये जैसे आप आई ए का मतलब आप समझिए क्या होगा। आई ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए। इसी तरह से आई बी जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है एंटीजन बी के फॉर्मेशन के लिए। और स्मॉल आई जो है किसी भी मतलब ये किसी भी क्या कहते हैं एंटीजन के फॉर्मेशन को स्पेसिफाई नहीं करता है। नो एंटीजन, इट डज नॉट कोड फॉर एनी एंटीजन, मतलब किसी भी एंटीजन को ये कोड नहीं करता है, मतलब किसी भी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यहां पे आप ये समझिए कि आपने ये समझ लिया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ह्यूमन में। कहने का मतलब कि इन्हीं के बेस पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, जिनको कंट्रोल करता है जीन आई स्टैंड्स फॉर आइसोहीमोग्लोबिनिन। और इनके जो है 3 टाइप के एलील्स होते हैं आई ए आई बी एंड स्मॉल आई आर यू टेन से आई जीरो। आई ए इस मंत्र फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए, आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बी एंड आई डज नॉट कोड फॉर एनी एंटीजन, मतलब इससे कोई भी एंटीजन बनता नहीं है। अब इसे मैं थोड़ा सा बेटा और समझो कि मान लीजिए
कि आरबीसी जो होती है ब्लड में, ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस, मतलब ब्लड में रेड आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, इतने पार्ट ब्लड के होते हैं। ब्लड के मतलब बेसिकली टू पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होती है, और प्लाज्मा जो है उसका थोड़ा सा सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। तो इसमें जो है आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर जो है एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। और एंटीजेंस क्या है, एक तरह के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दीज आर टू टाइप्स ए एंड बी। यहां पर हमने आपको बताया कि टू टाइप्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स नोन एज एंटीजेंस एंड दे आर डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी। और प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, ये आरबीसी की सरफेस पर होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। और जो क्या कहते हैं प्लाज्मा है, इसके अंदर प्योर प्रोटीन होते हैं, मतलब प्योर प्रोटीन के बने सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज ही हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब इंक्रीज करने का काम करते हैं, मतलब ये जो एंटीजेंस है उन्हीं के अगेंस्ट ये हमारी मतलब प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये एंटी ए आर स्मॉल ए आर अल्फा, ये तीन नामों से जाने जाते हैं। मतलब पहला एंटीबॉडी हुआ एंटी ए आर सिंपली स्मॉल लेटर में लिखते हैं, या अल्फा नाम से इसको जाना जाता है। अब दूसरा एंटीबॉडी होता है एंटी बी, या इसको बीटा से भी आप कह सकते हैं, या सिंपली स्मॉल लेटर में बी आप कह सकते हैं। तो ये दो तरह के एंटीबॉडीज जो है बनते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से एलील में मतलब कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, और आप स्प्रिंग्स का कैसे क्या कहते हैं फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और उसके कौन से एंटीजन होते हैं, उसके कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, और कितने परसेंट इंडियंस में ये ब्लड ग्रुप पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए का जो है एंटीजन ए होता है और इसका एंटीबॉडी जो है एंटी बी। तो जो ब्लड ग्रुप होगा, जो मतलब एंटीजन होगा, उसका जो है अगेंस्ट एंटीबॉडी बी होगा, या इसको हम बी स्मॉल बी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है 23.5% जो है इंडियंस में ये ब्लड ग्रुप पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी होता है, जो इसका एंटीबॉडी एंटी ए होगा। आर यू कैन से सिंपली ए, और ये जो है 34.5% इंडियंस में ये ब्लड ग्रुप पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ब्लड ग्रुप ए बी ये थोड़ा सा रेयर होता है ब्लड ग्रुप, इसमें जो एंटीजन होते हैं ए एंड बी बोथ होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नील भी आ सकते हैं, और 7.5% इंडियंस में ही ये थोड़ा ब्लड ग्रुप रेयर होता है। और ब्लड ग्रुप ओ इसमें जो है कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंटी ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, और ये भी 34.5% इंडियंस में इसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसकी मतलब संभावना है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप वाले कौन से लोग जो है मतलब इंडिया में पाए जाते हैं, बी और ओ, और सबसे कम कौन पाए जाते हैं, ए बी। ये वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल
कहने का मतलब ये जितने भी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं सबका ब्लड ये ले सकता है। अगर किसी का किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो सबका ब्लड ले सकता है। और वो जो होता है इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये जो है सबको ब्लड दे सकता है। सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे जो है एलील्स का जो है एलील्स अगर पेरेंट वन में कौन किस तरह टाइप के एलील्स है, पेरेंट टू में किस टाइप के एलील है, फिर दोनों से आप स्प्रिंग का जीनोटाइप क्या बनेगा और जो आप स्प्रिंग का जो है बनेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। तो मान लीजिए एलील फ्रॉम पेरेंट वन, एलील फ्रॉम पेरेंट टू, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। हम आपको जो है कुछ करके दिखा दे रहे हैं, कुछ आप खुद करिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट वन का एलील आई ए है और पेरेंट टू का एलील स्मॉल आई है, तो जीनो टाइप ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, आई ए स्मॉल आई। तो जो स्मॉल आई है किसी भी क्या कहते हैं एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए आई ए ही डोमिनेंट होगा। तो जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो ए होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल आई है इट विल, ये जो एलील है इट विल बी रिसेसिव। कहने का मतलब वो आई ए जो है डोमिनेंट एलील हो जाएगा, तो ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। मान लीजिए पेरेंट वन का आई ए है, पेरेंट टू का आई बी है, तो जो क्या कहते हैं आप स्प्रिंग का बनेगा आई ए आई बी होगा। तो ये दोनों जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं एक साथ आप स्प्रिंग में, तो जो ब्लड ग्रुप आप स्प्रिंग का आएगा दैट विल बी ए बी। ओके, in that case, in this case it will be A. Suppose the blood group of the allele from parent one is IB and it is small I, then it will be IB small I the genotype of offspring, then the blood group of the offspring will be B. If both are small i and small i, then it will be small i and small i both are recessive and the blood group O does not have any antigen and this allele is not responsible for any formation of antigen, so this will be the blood group O. You have seen that there is four types of blood group A, AB, B and O. Okay, so there may be other possibilities that the allele from parent one may be I B, it may be I A, okay, it may be I A and I, including जो है मैंने आपको एक लगभग जो है छह टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको आप पढ़ा करके देख लीजिएगा और जो है इसको पूरा स्टडी कर लीजिएगा। कोडोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसमें दो एलील्स एक साथ मतलब आप स्प्रिंग में एक्सप्रेस होते हैं। कहने का मतलब कि दोनों ही एलील्स जो है यहाँ पे डोमिनेंट हो रहे हैं, तो दो एलील के डोमिनेंस होने से इस प्रोसेस को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप सॉल्व करिएगा।